जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कतर से एक बड़ी ही शॉकिंग न्यूज निकल कर आई है, जहां पर हमारे 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई है। कौन है वो पूर्व सैनिक, वो बताऊंगा। क्या मसला था, क्यों सजा सुनाई गई, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और ये वहाँ क्यों पहुँचे, कैसे पहुँचे, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बड़े दुख की बात ये भी है कि छोटी से छोटी जो भी घटना घटती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उसके ऊपर अपना जरूर रिएक्शन देते हैं, वक्तव्य देते हैं। मान लीजिए क्रिकेट के जितने भी मैच हुए हैं, प्लेयरों को हर जीत के बाद बधाई दी है। अभी एशियन गेम हुआ, हर एक प्लेयर के लिए बधाई दी है। माननीय मोदी जी फौजियों के साथ दिवाली मनाते हैं। अभी हाल ही में माननीय रक्षा मंत्री जी ने सशस्त्र बलों के जवानों के साथ बड़ा खाना खाया। लेकिन 24 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया, अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी मौन हैं, जबकि विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर बड़ी चिंता जाहिर की गई है। उन्होंने कतर से जजमेंट का डिटेल्स मांगा गया है। तो आइए सबसे पहले तो देखते हैं कि आखिर ये हैं कौन। तो देखिए दोस्तों, जिनको सजा सुनाई गई है वो हमारे 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल हैं, जो 30 अगस्त 2022 को जिन्हें अरेस्ट किया गया था। इनके साथ एक और पूर्व सैनिक अरेस्ट हुआ था, वहाँ का निवासी एयरफोर्स का अधिकारी, वो भी अरेस्ट हुआ था। अब ये जो हमारे वाले पूर्व सैनिक अरेस्ट हुए थे, उनमें देखिए कैप्टन नवदेश सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल एंड सेलर रागेश। ये हमारे 8 नेवी के पूर्व सैनिक हैं, जिसमें एक जवान और 7 अधिकारी हैं। जिस वक्त इनको अरेस्ट किया गया था, उस वक्त एक वहाँ का उस कंपनी का ओनर को भी अरेस्ट किया था जिस कंपनी में ये लोग काम करते थे, और वो ओनर भी एक्स सर्विसमैन है उस देश का। लेकिन उसको नवंबर के महीने में रिलीज कर दिया गया, जबकि हमारे वाले पूरे के पूरे 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। और ये भी नहीं बताया गया कि इनका गुनाह क्या था, किस केस में इनको सज़ा सुनाई गई है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बड़ा ही चिंता जाहिर की है, बहुत उनको शॉक्ड है इसको, और वो जजमेंट का वेट कर रहे हैं कि उसके जजमेंट के बारे में पता चले कि उन्होंने जजमेंट मांगा है वहाँ की सरकार से, क्या जजमेंट है, किस संदर्भ में है। और विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जो भी कानूनी सहायता होगी, जितने भी संभावनाएं होंगी, वो उनके साथ है, उसमें उनकी मदद करेंगे। दोस्तों, 30 अगस्त 2022 को इनको अरेस्ट किया गया था और मार्च 2023 से इनकी हियरिंग शुरू हुई है और अब इनको ये सज़ा सुना दी गई है। क्या ये कहीं इस चीज़ से खपा होके तो नहीं कि भारत ने हमास के अंगेंस्ट इजराइल का साथ दिया, हमास को एक आतंकवादी संगठन कहा, इसके चलते तो कहीं ऐसा नहीं कि कतर ने ये कदम उठाया है, क्योंकि कतर हमेशा ही आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। और अगर ऐसा है तो ये एक अच्छा समाचार नहीं है। और दोस्तों, हम अपनी भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि किसी भी तरीके से दबाव डाल के पूर्व सैनिकों को न्याय दिलाएं, उनको न्याय मिलना चाहिए ताकि वो अपने परिवार के साथ आएँ, रहें बच्चों के साथ। और दोस्तों, हम अपनी सरकार से अनुरोध करते हैं कि दबाव डाल के किसी भी तरीके से अपने पूर्व सैनिक भाइयों को, पूर्व सैनिकों को न्याय दिलाएं। तो दोस्तों, ये थी एक बड़ी ही दुखद खबर। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।